पेट्रोल डलवाना है। हारून ने बड़ी अजीब सी बात की है। उस बंदे ने पेट्रोल डालने से पहले यार भाई मीटर चेक कर ले। बाहर से ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? काइंडली एलैबोरेट। जो है ना अंदर से मीटर घुमा देते हैं, अंदर से मीटर घुमा देते हैं, अंदर से मीटर। Assalamualaikum guys, how are you? आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 4:45 बजे और मैं इस टाइम खड़ा हूँ हारून के घर के बाहर। जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। मेरा दोस्त आ गया घर से, गेड़ा करा के आ रहा है, किताब उठा के आ रहा है, किताब उठा के आ रहा है। यार लॉक तो खोल दो। हैं गेड़े करा घर से गेड़ा करा के आ रहे हो, किताब उठा के आ रहे हो। कैसे मेरे दोस्त? नाइस टू मीट यू। तमिल की तरह तमिल साहब ना गेड़ा करा गए। इन शॉर्ट कुरैशी साहब आप गेड़ा करा गए? हारून के घर से निकले हुए तकरीबन, ये देखिए इधर है हारून नगर, मतलब इस रोड से हम ना यहाँ पे रोड के इस पार वेट कर रहे हैं कुरैशी साहब को, और हमें यहाँ पे खड़े हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। पौने पांच बजे था हमारा शो स्टार्ट होना था और माशाल्लाह से 5:30 हो चुके हैं। पूरे 45 मिनट का सीन हम डिच करा चुके हैं और अभी तक हमारे दोस्त पूरे नहीं हो रहे। गाइस अगर आपके भी कम्युनिटी में, आपकी गैदरिंग में ऐसे दोस्त हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनको टैग करें, शेयर करें। हंसते हुए चेहरे दे, मतलब तकलीफ नहीं होनी। इसका मतलब ये होता है कि उनको तकरीबन से हैंडल करना आता है। हैंडल करना आता है। तो यार हम ना होपफुली आप ना ये सोच रहे हैं यार अब तो वहाँ जाने का फायदा नहीं है, तो कहीं चलते हैं, मतलब कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं भी, मतलब मूवी का तो सीन मतलब ऑफ हो गया। ऐसा ही है भाई, अब क्या मूवी का घंटा समझ आएगी जब हम जाएंगे तो। 1 hour later लोग जो मूवी देखने के लिए जा रहे थे इतनी देर हम लोग जलील हुए, वो इस इंसान की वजह से। दिस बॉय इज कल्प्रिट, ही इज कल्प्रिट। यार फाइनली हम लोग आए खाना खाने के लिए, तो हम खाना छाना हमने खा लिया और हम लोग गए हुए थे वॉशरूम, और खाना खाने के बाद वॉशरूम हम क्यों गए हुए थे वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। ये देखें ये दो बॉयज हैं बड़े मजा, कुरैशी साहब और हारून साहब, तो ये बैठे हुए थे। मैं उन लोगों को बता रहा था, मैंने कहा यार हम लोग ना खाना खाने के बाद हम वॉशरूम क्यों जाते हैं? नहीं उनको नहीं पता, उनको वो नहीं जाते। हमने पंखे के सामने मुजम्मिल को बिठाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुजम्मिल नाराज हो जाता है हर बात से, हर दूसरी बात से नाराज होता है, इस वजह से हमने इसको इज्जत बख्शी है और इसको पंखे के सामने बिठाया। ऐसी बात है कि नहीं है हारून? ऐसी बात है। बस चुप, बस चुप, बस जानी, बस जानी, बस प्लीज। अल्लाह का दाढ़ी को हाथ लगा लिए लो, ये देखो दाढ़ी को हाथ लगा दिया मैंने। चाय और तुम लोगों ने चाय नहीं मंगाई? कोई साहब चाय नहीं मंगाई क्यों? क्या वजह? लड़ती है गर्मी, लोहा लोहे को काटता है ना, चाय भी गर्मी, लोहा लोहे काटता है। खाने की वीडियोस मैं आपको नहीं दिखा सका, मुझे सोसाइटी माफ कर देगी, समाज मुझे माफ कर देगा। तो यार आपको मैं चाय की दिखा पाऊंगा, ये देखें। आप टिकट क्यों नहीं पाते कि आप चाय पी जाए? ऐसी बात नहीं है, सिर्फ चाय नहीं पी। मोजिस खवातीन होता था, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे चाय पीने के लिए आया था तो आप लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी देखिएगा जाके। ठीक है गाइस, मैं ना अपने दोस्तों से ना एक ओपिनियन मांगना चाह रहा हूँ। देखें अभी जब हम आए हैं ना मुल्तान से, मतलब ये आउट ऑफ सिटी है लाल हवेली रेस्टोरेंट ना, तो गाड़ी चला रहा था हारून, तो हम वोटिंग करवाएंगे कि कितने लोग हारून की ड्राइविंग से सेटिस्फाइड हैं, जो चाहते हैं कि हारून गाड़ी चलाए। आप चाहते हो? भाई इसने मुझे 5,000 दिए, मैं तो कहूँगा हाँ चाहता हूँ। हर किसी का वोट हर किसी के साथ है, हर कोई कह रहा है मैं खुद चलाता हूँ। थैंक यू सो मच जानी। यार बहुत अच्छा लगा यार, सारे दोस्त मेरे खुश हैं, बड़ा अच्छा लगा यार दोस्तों को खुश देख के भी। अबे पेट्रोल डलवाना है यार सुबह भी। ये है खुशखबरी ना, 8:30 उसने पहुंचा, इसका मतलब 10 बजे तक टाइम है हमारे साथ, है ना? हमारा तो 1.5 घंटा आगे ही होते जाने। हमारा जाने 1.5 घंटा आगे, तो बेफिक्र हो जाए, इसका मतलब हमारे घर वाले कहते हैं ना अब आ जाओ तो उसके घंटे बाद हम घर चले जाए। ये वो आखिरी कॉल जो होती है ना, इसमें वो कहते हैं अब आ जाओ बस, वो रात 12-1 बजे होती है, अभी आ जाओ तो फिर हम इसका तो फिर 8:30 तक, तो इसके बाद टाइम है 1.5 घंटा बस, वही ना मतलब अभी हमारे पास 1.5 घंटा है यार, 10 बजे तक
हमारे पास खुला डेढ़ घंटा है इस टाइम, 10 बजे तक टाइम है, चिल करो। खुला बहुत खुला। पेट्रोल डलवाने आया हारून ने, बड़ी अजीब सी बात की है। उस बंदे ने पेट्रोल डालने से पहले कहा यार भाई मीटर चेक कर लें, कहता है बाहर से ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है? काइंडली इलैबोरेट। जो है ना अंदर से मीटर घुमा देते हैं, अंदर से मीटर घुमा देते हैं, अंदर से मीटर, हाँ अंदर से मीटर घुमा देते हैं। 1200 का होता है लेकिन पेट्रोल डलता है कम। अच्छा अच्छा 600 का आधा 900 यार। बैग उठाओ, मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, दे रहा हूँ भाई। कब बैग उठा, ये ले ले आओ मशीन। जानी कौन सा कार्ड है? सुनहरी का। सुनहरी कोई भी ले आओ यार, सब पे चल जाएगा। सुनहरी कार्ड है। सुनहरी सुनहरी हाँ। पैसे ले लिए उनसे तूने? हाँ ले लिए। कितने पैसे लिए? 1200 लिए। चल ठीक है, जानिए ठीक बात है। ए बाजी दे ना, हल्ला वाला करे। कह रहा ए बाजी दे ना। हाँ आ जा अंदर दे। ए बाजी दे ना। दे भाई से मुड़े दे। मुझे स्पीचलेस कर दिया इसने मुझे। नहीं नहीं देना, आज नहीं देना। आ जा आज आइसक्रीम ले रहा यार। दे ए बाजी ले ना। थैंक यू यार। मजे कर यार, मजे कर। कट ले भाई। थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है यार अरुण साहब। ठीक है अरुण साहब, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा मैंने सुन के। आज आपने जल्दी छुट्टी करवा दी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। जानी हम तो चाहते हैं। हाँ हम तो चाहते हैं। ठीक है अरुण साहब, ओके सर, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल भी ठीक है। फाइनली गाइज मैं फ्री हो गया हूँ अपने दोस्तों से। अब दोस्त घर चले गए हैं। मुजीदीन अपनी बाइक लेकर आया हुआ था, तो उसने अपनी बाइक खड़ाई हुई थी मुजम्मिल के घर, तो वो यहाँ से अपनी बाइक लेकर वो भी घर चला जाएगा। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मुजम्मिल के घर से। हमने हरुण को तो वैसे ही छोड़ दिया था। तो यार गाइज मैं आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ कि यार जो हमारे जितने भी करीबी रिश्ते होते हैं, मैंने सीखा है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि यार अगर आप लोगों का किसी बात पे इख्तलाफ है, ठीक है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इख्तलाफात भी होते हैं, बेटर वे टू कोप विद इट इज के यार आप ना उसको डिस्कस करें, जो आपका मसले मसाइल आप डिस्कस करें, ताकि देखें जितना अरसा आप लोगों की मुखालफत रहे उतनी ज़्यादा दिलों में बातें आती हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। तो हमें चाहिए कि हम इग्नोर करें। बहुत सारी बातें इंसान को बुरी लग जाती है तो इग्नोर भी करनी पड़ती हैं अगर आप लोगों ने रिश्ते बचाने हैं। तो गाइस दिस वाज द मैसेज एट द एंड ऑफ आवर व्लॉग। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दोनों भाई को याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।